Hello students, welcome to the Capsule Discussion जिसका आप हर बार इंतज़ार करते हो और आज आप सबको पता है why we are here to discuss the Capsule Discussion जो कि हमने कल लॉन्च करा है and that is for which examination, for all those examinations, कौन-कौन से examinations हैं, RBI Assistant Mains Examination है, Indian Post Payment Bank Mains Examination है, से IDBI बैंक का एग्जामिनेशन है, इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का एग्जामिनेशन है और इसके अलावा इंडियन बैंक के एग्जामिनेशन है। तो इन सब एग्ज़ाम्स में जनरल अवेयरनेस ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और जैसे कि अभी तक चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SBI हो, चाहे IBPS हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो या चाहे क्लरिकल का एग्ज़ाम हो, हर बार हम लोग आपके लिए लाए हैं और क्या लेकर आए हैं दी कैप्सूल डिस्कशन। लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी क्लरिकल की, जब हम क्लरिकल एग्जाम के लिए आए थे लास्ट टाइम, तो वी हैव चेंज द फॉर्मेट ऑफ द कैप्सूल डिस्कशन। फोकस हमारा यही रहता था कि वी हैव टू कम विद द कैप्सूल, हम जिसमें डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स फ्रॉम दिस कैप्सूल, बट थोड़ा डिफरेंट स्टाइल्स है। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब हम लोगों ने कैप्सूल डिस्कशन करा था तो वी हैज लॉन्च्ड अ न्यू वे जिसको हमने बोला था जनता जवाब चाहती है, JJCH। तो आज हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हम लेकर आएंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। बहुत सारी चीज़ें होंगी और मैं बता दूं इस बार का जो हमारा कैप्सूल डिस्कशन का जो प्लान है दैट इज़ फॉर 3 days। यार हम 3 दिन के लिए कैप्सूल डिस्कशन को करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैं देख सकता हूँ स्टूडेंट्स धीरे धीरे जो है कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर कैप्सूल का लिंक, तो मैं अभी अपनी टीम से कहता हूँ कि दे विल बी शेयरिंग द कैप्सूल लिंक इन द कमेंट सेक्शन। तो यू डोंट हैव टू वरी, बहुत ही जल्द जो है कैप्सूल डिस्कशन जो है वो आना, कैप्सूल का जो लिंक है वो आना शुरू हो जाएगा। तब तक देखते हैं, मैं देख सकता हूँ स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कैप्सूल की इस बार की क्लास, लेट्स डिस्कस कि आज का हमारा पॉइंट, आज का हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या होने वाले। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर दी एग्जामिनेशन, और कौन कौन से एग्जामिनेशन है जो भी हम सबसे पहले फोकस लेके चल रहे हैं, लेट से RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला फोकस, जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड पे ऑलरेडी आ गया है, द मस्ट डू करंट अफेयर्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमारी क्लास में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल हैविंग अराउंड 15 to 20 न्यूजेज जो हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद JJCH। तो इस बार हम उल्टा कर रहे हैं, इस बार फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का जो JJCH है वो है दैट इज फर्स्ट 16 days ऑफ जनवरी। मतलब हमें पता है क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड द होल मंथ ऑफ दिसंबर, वी हैव कंप्लीटेड अक्टूबर, वी हैव कंप्लीटेड नवंबर। तो आज की जो हम क्लास करने वाले हैं दैट इज मोर और लेस बेस्ड ऑन जनवरी 2017। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि सर इस बार आपने वीकली शो नहीं करा, तो मेरा वीकली शो करने का एक रीज़न यही था कि आई डोंट वांट टू गिव एनी रिपीटिशन, आई वांट टू बी इन दिस पर्टिकुलर कैप्सूल डिस्कशन। और इस कैप्सूल डिस्कशन में हम आपको पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से आपको क्या पढ़ाएंगे, हम पूरी तरीके से आपको पढ़ाएंगे द जनवरी 2017, क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनेशन जो है वो बहुत सारा, मतलब बहुत आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो लगातार आ ही रहे हैं। तो फॉर दैट वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग विद दी कैप्सूल डिस्कशन। अब एक और पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट्स की, तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो, इस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने एक नई चीज़ लॉन्च भी कर दी है जिसके 7 सक्सेसफुल एपिसोड्स हो चुके हैं, और वो है क्या, अड्डा का दंगल। आई एवरी वन गॉट इट राइट कि जो हमारा जो नया गेम शो है जो हम स्टार्ट कर चुके हैं दैट इज़ अड्डा का दंगल, रोज़ 7:30 बजे होता है। तो प्लीज़ यार अभी तक अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा है तो एक दिन पार्टिसिपेट करके देखिए, फिर ऑटोमेटिकली आपको उसकी आदत लग जाएगी एंड यू ऑल विल बी पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली। मैं पहले ही बता दूँ उस गेम शो का हमारा जो पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। ये 3 चीज़ों पे फोकस करने के लिए, ये 3 चीज़ें आपकी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने वी हैव लॉन्च अ गेम शो जो कि बेसिकली दैट्स एन एजुकेशनल गेम शो। इट्स नॉट अ कमर्शियल गेम शो, इट्स नॉट अ कमर्शियल वन, इट्स हम कुछ कमा नहीं रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि एक पूरे दिन जैसे हम आपको पढ़ाते रहते हैं तो लेट्स कम आउट विद अ टेस्ट, और जब टेस्ट के साथ हम कुछ प्राइजेज और ऐड ऑन कर देते हैं तो एक आपका एक मोटिवेशन और बढ़ जाता है, ठीक है आई विल विन अ प्राइज और माई नेम विल बी लाइव on Adda 247, the official YouTube channel of bankersadda.com. तो एक sense of proud feeling भी आती है. तो बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अब हम बात करते हैं पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, बिफोर स्टार्टिंग विद टुडे सेशन, लेट्स डिस्कस क्या अभी भी कोई भी डाउट्स आप लोग के दिमाग में है. If you have any doubts, you can share with me. Let's say we can have a doubt session of 5 minutes, and then we'll start with aaj ka the capsule discussion of RBI Assistant, Indian Post Payment Bank, and all. Mangal, Amandeep, we are starting very soon. मैं देख सकता हूँ बहुत सारे students जो connect होते जा रहे हैं. तो what we want is कि सबसे पहले students एक बार connect हो जाए, and then we will be starting with this particular thing. अंजलि एक बार प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स अगेन. आई एम नॉट एबल टू सी द कमेंट. एक बार आप दोबारा से अपना कमेंट शेयर कर दे. स्टूडेंट्स लिंक आपको बहुत ही जल्द मिलेगा. कैप्सूल लिंक बहुत जल्द आपको मिल जाएगा. माई टीम विल बी शेयरिंग द कैप्सूल लिंक, तो डोंट वरी ऑन दैट. बहुत जल्दी आपको कैप्सूल लिंक मिल जाएगा. IBPB का रिजल्ट यार इट कुड बी आउट एनी टाइम. आज भी आ सकता है, राइट नाउ ड्यूरिंग द सेशन भी आ सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं उनके एडमिट कार्ड का भी कमिंग सून आ गया, उनका रिजल्ट का भी कमिंग सून आ गया. तो वेरी सून द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रिजल्ट विल बी आउट ऑफ दैट. बट दैट शुड नॉट बी अ मोटिव कि यू शुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट टू कम. ऐसे करोगे तो फिर तैयारी कैसे करोगे यार. नहीं, ऐसा प्लीज़, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गो थ्रू द जनरल अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट या ये पर्टिकुलर टॉपिक एक प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल. 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के इक्वलेंट होता है. इसको हम कहते हैं एक ऐसा सेक्शन जो कि कम टाइम दो, यू कैन स्कोर बिग फॉर श्योर. हम कम टाइम के सेंस में कह रहे हैं, अगर आप रोज़ 1 घंटे, जैसे आप रोज़ क्वांट को 4 घंटे देते होंगे, रीजनिंग को 3 घंटे देते होंगे, इसमें हम चाहते हैं कि आप आराम से 1-1.5 घंटा अगर आप रोज़ का भी दे रहे हो. वी हैव सो मैनी शोज़ ऑन करंट अफेयर्स, वी हैव सो मैनी शोज़ ऑन करंट अफेयर्स जो आप लोग दे सकते हो, आप लोग देख सकते हो, और उसके बाद दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल एग्जामिनेशंस के लिए. आशलू वीकली शो बंद नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं. वी विल बी कम बैक विद अ वीकली शो वेरी सून, डोंट वरी. उसमें हम कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम दोबारा से लेकर आएंगे द वीकली शो और द जीएस शो. तो डोंट वरी ऑन दैट. रादर देन वी आर डिस्कसिंग द होल ऑफ दिस जनवरी 2017 ईयर. 1 से लेकर 16 तक का हमारा प्लान है, क्योंकि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन जो है वो 24 को है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस अमाउंट इज मोर देन सफिशिएंट. नहीं, इस कैप्सूल में सिर्फ जनवरी नहीं क्लियर करा गया है, इसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें 2.5 महीने का करंट अफेयर्स हमने डाला गया है. वी हैव नॉट पुट द अक्टूबर वन. अक्टूबर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. अक्टूबर के लिए पुरानी क्लासेस को आप देख सकते हो, बट जो हमारा फोकस था फॉर ड्यूरिंग दिस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, उसमें यही था कि आप कम पढ़ो और मोस्ट रिसेंट एग्जामिनेशंस पढ़ो, क्योंकि मोस्ट रिसेंट एग्जाम्स हैं, मोस्ट रिसेंट जो करंट अफेयर्स है वही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो भी करंट अफेयर्स पूछा गया है वो इसी तरीके से पूछा गया है, इसी पैटर्न से पूछा गया है. ठीक है. तो कैंडी सन्याल, CHSL के लिए हमारा ऑलरेडी कैप्सूल ऑलरेडी लाइव है, दैट इज़ ऑन SSC अड्डा और अड्डा 24/7 ऐप पर, जो कि GS कैप्सूल होता है, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, बहुत सा हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, जर्नल साइंस, ये सब उसमें कंक्लूडेड होता है. इसके साथ साथ CHSL के लिए ये कैप्सूल आप दिसंबर और जनवरी अगर आप पढ़ लोगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जो पेपर है उसका बहुत लंबा चलने वाला है. तो नाउ विद दिस नोट लेट्स बिगिन विद द कैप्सूल डिस्कशन, द CD शो आज का. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक. आज का फर्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. इट इज मस्ट डू करंट अफेयर्स फॉर RBI, IPPB विच इज द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड IDBI एग्जामिनेशन 2017. नाउ लेट्स कम आउट टू द फर्स्ट न्यूज. फर्स्ट न्यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने आ चुकी है कि 62nd फिल्मफेयर अवार्ड जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं. याद रखिएगा, अवार्ड्स ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन. Pooja is saying from where she get the capsule. She can get the capsule from bankersadda.com और Adda 247 app पर भी आ चुका है. My team will very soon will be sharing the link on banker on the comment section. So don't worry. So don't worry on that. चलिए तो अब हम we start with the 62nd Filmfare Awards 2017 declared. At the glittering Filmfare Awards, Dangal swept away 3 of the 4 major awards. Best film आमिर खान एंड नितेश तिवारी. बेस्ट फिल्म मिला दंगल को. बेस्ट एक्टर किसको दिया गया? आमिर खान को. एंड बेस्ट डायरेक्टर दिया गया नितेश तिवारी को. वाइल आलिया भट्ट वन द बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फीमेल एक्ट्रेस फॉर हर परफॉर्मेंस इन उड़ता पंजाब. तो दिस इज द न्यूज. नाउ लेट्स कम टू ऑल द अवार्ड्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. Now here are the awards जो कि डिक्लेयर करे गए हैं. दीज आर द बंच ऑफ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि डिक्लेयर करे गए हैं. बेस्ट कोरियोग्राफी आदिल शेख. बेस्ट एडिटिंग मोनिशा आर बलवाड़ा. बेस्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य. बेस्ट स्टोरी शकुन बत्रा एंड आयशा देवित्रे. बेस्ट डायलॉग रितेश शाह. बेस्ट प्लेबैक मेल अरिजीत सिंह. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वन बेस्ट फीमेल सिंगर नेहा भसीन. बेस्ट म्यूजिक प्रीतम. बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल शबाना आजमी. बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल ऋषि कपूर. बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर मार्क दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट अश्विनी तिवारी फॉर नील बटा सन्नाटा. बेस्ट डेब्यू मेल दिलजीत दोसांझ और बेस्ट डेब्यू फीमेल रितिका सिंह. स्टूडेंट्स ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट बट जो मेन हमारे सामने आते हैं वो आते हैं 4 या 5 और 4 जो सबसे बड़ी कैटेगरीज होती है. बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल और बेस्ट फिल्म. इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंपॉर्टेंट है. लेट्स कम विद द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर. याद रखिएगा जैसे क्रिटिक्स अवार्ड वो दिया गया है फीमेल में सोनम कपूर को एंड क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल दिया गया है मनोज वाजपेयी फॉर अलीगढ़ एंड शाहिद कपूर फॉर उड़ता पंजाब. इंपॉर्टेंट है. क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी दिया गया है फॉर बेस्ट फिल्म राम अडवाणी फॉर द मूवी निर्जा. इसके अलावा अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर हमें पता ही है आलिया भट्ट. बेस्ट डायरेक्टर नितेश तिवारी. बेस्ट एक्टर आमिर खान. बेस्ट फिल्म दंगल. अब लास्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मार्क दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है शत्रुघ्न सिन्हा जी को. मार्क दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. तो आउट ऑफ लेट्स से आउट ऑफ द टोटल अराउंड 15 पॉइंट्स जो 6 और 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चलिए अब हम आते हैं द नेक्स्ट न्यूज. द नेक्स्ट वन तो 74th गोल्डन ग्लोब. स्टूडेंट्स जनवरी में बहुत सारे अवार्ड्स जनवरी और लेट ऑफ दिसंबर में बहुत सारे अवार्ड्स डिस्कस हुए हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज. तो अब हमारे सामने आ गया है द 74th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2017 अनाउंस हो चुके हैं. लेट्स डिस्कस इन अ बिट डिटेल. दिस ईयर ला ला लैंड अ रोमांटिक म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म वन इन ऑल 7 कैटेगरीज इंक्लूडिंग द टॉप अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिकल और कॉमेडी. याद रखिएगा तो एक मूवी जिसने मैक्सिमम अवार्ड जीते हैं दैट इज ला ला लैंड. वेटरन एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रिप वाज बेस्टॉड विद सेसिल डिमेल इन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. क्लियर? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है आप क्लियरली आप रीड कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. बेस्ट मोशन पिक्चर दिया गया है ड्रामा में मूनलाइट. बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस म्यूजिकल और कॉमेडी में किसको दिया गया है? ला ला लैंड को. बेस्ट डायरेक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा में दिया गया है डैमियन शिज़ेल को. बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर वंस अगेन ड्रामा में दिया गया है कैसले एफ्लेक फॉर मैनचेस्टर बाय द सी. बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ड्रामा में दिया गया है इसाबेल हपर्ट फॉर एली. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर और म्यूजिकल कॉमेडी दिया गया है रायन गॉसलिंग. बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर दिया गया है एमी स्टोन फॉर ला ला लैंड. बेस्ट ओरिजिनल स्कोर दिया गया है जस्टिन होविट्ज वंस अगेन फॉर ला ला लैंड. बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भी दिया गया है सिटी ऑफ स्टार्स फॉर ला ला लैंड. और इसके अलावा एक सेपरेट कैटेगरी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म दैट इज एली जो कि है इट्स अ फ्रांस मूवी. तो प्लीज़ यार दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट बट वंस अगेन जो मूवी जो इम्पॉर्टेंट है तो यू शुड नो द बेस्ट एक्टर, द बेस्ट एक्ट्रेस, द बेस्ट डायरेक्टर and the best movie and that will be based on La La Land. जिसका हम question expect करें we are expecting a question from this particular La La Land. Clear? Now let's come to the next one. Once again जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे awards announce हुए हैं. Once again एक और important award है that is ICC Awards 2017 announced and it was all Kohli there. Kohli भी थे, Ashwin भी थे. क्या था? लेट्स डिस्कस दैट. रविंद्र चंद अश्विन हैज वन बोथ द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एंड आईसीसी Test Cricketer of the Year award after he was named as the only ICC Team of the Year. जो टेस्ट टीम अनाउंस हुई थी उसमें आर अश्विन थे. विराट कोहली वॉज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ ICC ODI Team of the Year और मिसबाह उल हक को दिया गया क्या ICC Spirit of Cricket Award. Clear? Now let's come to the awards. The awards are, आप देख सकते हो सबसे पहली कैटेगरी ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जिसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज सर गैफिल्ड सॉबर्स ट्रॉफी. वो दिया गया है आर अश्विन को. ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया है आर अश्विन को. ICC ODI क्रिकेटर अवार्ड किसको दिया गया है क्विंटन डीकॉक को. इसके अलावा ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया है सूजी बेट्स जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं. और ICC वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर दिया गया है सूजी बेट्स. नाउ स्टूडेंट्स मार्क दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. द क्वेश्चन कुड बी सूजी बेट्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट और सूजी बेट विच इज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर शी बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो माई आंसर विल बी न्यूजीलैंड और शी इज अ क्रिकेटर. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट वन ICC T20 परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है कार्लस ब्रेथवेट को. ICC मार्क दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के. ICC एसोसिएट्स और एफिलिएट क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड एसोसिएट नेशंस जो खेलते हैं उसमें एक कैटेगरी दी गई है मोहम्मद शहजाद अफगानिस्तान. ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है किसको मिसबाह उल हक. मार्क दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और इस बार का जो एम्पायर ऑफ द ईयर ICC एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है वो किसका दिया गया है वो दिया गया है डेविड शेफर्ड ट्रॉफी जिसको कहते हैं वो दिया गया है मैरी एरास्मस को. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने आएंगी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. वी विल बी हैविंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस जो कि आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी ही पढ़नी है. तो अब हम देख सकते हैं द कमेंट सेक्शन. चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज़ और मार्क दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कमेंस हुई है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. मैं बता दूं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में आपको पूरी डिटेलिंग आपको पढ़नी ही पड़ेगी. एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो रीड करते हैं. प्रधानमंत्री GKY विच इज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इज अ गवर्नमेंट सिक्योर्ड इनकम डिस्क्लोजर स्कीम टू अलाउ tax evaders to come clean with unaccounted wealth. It came into effect from जो इसका टाइम टेन्योर रहा वो कितना रहा 17 दिसंबर से लेकर और ये रहेगा कब तक टिल 31 मार्च 2017. और इसमें द डिपॉजिट शैल बी मेड बाय एनी पर्सन हु डिक्लेयर्ड अनडिस्क्लोज्ड इनकम अंडर PM प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कीम रिलेटेड टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम. और इसमें कितना डिपॉजिट करना है द डिपॉजिट सम शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द डिक्लेयर्ड अनडिस्क्लोज्ड इनकम. अब क्या ये पॉइंट्स हैं लेट्स डिस्कस दैट. नेक्स्ट स्लाइड. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये. आप एक बार बहुत प्रॉपर्ली इसको रीड कर लीजिएगा. द डिपॉजिट्स जो भी होंगे जिसमें ऑब्वियसली हमने कितना अमाउंट करना है 25% डिपॉजिट करना है. द डिपॉजिट्स शैल बी हेल्ड एट द क्रेडिट ऑफ द डिक्लेरेंट इन BLA विच इज बॉन्ड लेजर अकाउंट्स. बेसिकली द अकाउंट्स हेल्ड विद द RBI जो कि रखे जाएंगे किसके पास रखे जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखे जाएंगे एंड वुड बी रीपेड ओनली ऑन एक्सपायरी ऑफ पॉइंट इज 4 years. मार्क दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. Both these points are very important. किस में रखे जाएंगे BLA में रखे जाएंगे. BLA बॉन्ड लेजर अकाउंट्स जो कि RBI के पास मेंटेन करा जाता है और इट विल बी रीपेड आफ्टर 4 years. Now let's look at the rules of the scheme. First point, declarant have to deposit 25% of the undisclosed income. Declarant has to pay 30% tax at the income. Declarant has to pay 30% tax at this income plus a penalty rate of 10%. तो मतलब जो भी डिपॉजिट करेगा उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा 30%. और नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ सरचार्ज ऑफ 33% ऑफ टैक्स विल बी लेवाइड एंड विल बी नेम्ड एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस. तो एक बार दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं. डिक्लेरेंट हैव टू डिपॉजिट 25% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। टैक्स कितना दिया जाएगा? 30% टैक्स दिया जाएगा और 10% होगा, क्या होगा? 10% होगा उस पर पेनल्टी। और देन सरचार्ज होगा, कितना होगा? 33% विल बी सरचार्ज। बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? इज दिस स्कीम क्लियर टू ऑल एवरीवन? अर्जुन सिंह, इट्स नॉट बॉन्ड, इट्स बॉन्ड्स लेजर अकाउंट। आप क्लियरली रीड कर सकते हो, BLA लिखा हुआ है इसमें, इट्स बॉन्ड लेजर अकाउंट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन। अगेन अ स्कीम, लकी ग्राहक योजना एंड डिजी धन व्यापार योजना लॉन्च्ड। ये दोनों स्कीम्स हैं जिनको रिसेंटली क्या करा गया है, जिनको रिसेंटली लॉन्च करा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च लकी ग्राहक योजना फॉर कंज्यूमर्स and Digi Dhan Vyapar Yojana for merchants to promote digital transactions. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च करा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है व्हाट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च लकी ग्राहक योजना फॉर कंज्यूमर्स एंड डिजिटल धन व्यापार योजना फॉर मर्चेंट्स टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस। द स्कीम आर एम्ड एट एनकरेजिंग पीपल टू मूव टूवर्ड्स सिग्निफिकेंटली higher usage of digital transactions through the offer of incentives. Purpose क्या है? Purpose ये है कि लोगों को बढ़ावा देना, किस चीज़ के लिए बढ़ावा देना, कि वो digital payments करें and with the help of through the offer of incentives. The primary concern being is to move the transaction platform from a physical cash economy to a cashless society. The scheme promotes digital payment methods among the consumers by the Lucky Grahak Yojana and merchants थ्रू द डिजी धन व्यापार योजना। बताइए क्या ये सारे पॉइंट्स आप सबको क्लियर है? इसका क्लियरली इसका पर्पस क्या है? इसका सिर्फ एक ही पर्पस है एंड द पर्पस इज टू कम आउट विद इंसेंटिवाइजेशन एंड टू कम आउट विद कैशलेस इकोनॉमी। और जो योजना के नाम है दैट इज लकी ग्राहक और डिजी धन व्यापार योजना। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? आर ऑल दीज पॉइंट्स क्लियर टू यू ऑल? क्या सारे पॉइंट सबको क्लियर है इस वक्त? लकी ग्राहक योजना, डिजी धन व्यापार योजना। कैन वी मूव ऑन? क्या है पॉइंट सबको क्लियर है? चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मार्क दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ज्ञानपीठ अवार्ड 2016 का अनाउंस हो चुका है। बंगाली पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक शंका घोष विल गेट द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2016। द अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो किस को दिया गया है इस बार का ज्ञानपीठ अवार्ड 2016? द आंसर इज शंखा घोष विल गेट द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2016। द अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। शंखा घोष, born in Chandipur, present day Bangladesh, is a leading authority on Rabindranath Tagore. He has earlier won the Sahitya Academy Awards for and the Padma Bhushan for his contribution to Indian literature. बताइए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? इट्स अ डायरेक्ट न्यूज। ना पॉइंट इज नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द डिफरेंट न्यूजेस, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? सर, इज द कैप्सूल सफिशिएंट? स्टूडेंट्स, अगर कैप्सूल सफिशिएंट नहीं होता तो कभी इसकी डिमांड नहीं होती। दूसरा पॉइंट, कभी इसकी डिस्कशन की डिमांड नहीं होती। इट्स द डिमांड विच क्रिएट द सप्लाई। याद रखेगा यहाँ पे कि हम लोग को बार बार स्टूडेंट्स के आइदर थ्रू मेल आइदर इफ, अगर आप बहुत सारे लाइव सेक्शन में भी अगर आप आते हो तो लाइव सेक्शन में आप क्लियरली देखते हो, लाइव सेशंस में भी आप लोग क्लियरली देखते हो कि बच्चों की सिर्फ एक चीज़ की डिमांड होती है, सर कैप्सूल कब आ रहा है, कैप्सूल कब आ रहा है, कैप्सूल कब आ रहा है. जब स्टूडेंट्स व्हेन दे आर देमसेल्व्स वेटिंग फॉर द कैप्सूल तो ऑब्वियसली इट इज़ वर्थ ऑफ इट, तभी वो कोई किसी चीज़ का इंतजार करते हैं. तो डोंट बार बार Don't comment कि is this capsule sufficient, is this capsule not sufficient, is it sufficient, is it not sufficient. Don't comment like that. Is it sufficient? Ask the students. याद रखेगा. उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट के सर कैप्सूल कहाँ पर है, कैप्सूल का आप देख सकते हो प्रशांत सर ने भेजना शुरू कर दिया है कैप्सूल का लिंक. They have already shared the link. अभिजीत इज सेइंग ओल्ड न्यूज. स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन. यस, इसमें कुछ करंट अफेयर्स आपको दिसंबर लास्ट वीक के भी मिल सकते हैं और दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट शुड नॉट बी योर मोटिव. हमारा जो जनता जवाब चाहती है दैट इज आज का जैन एडिशन का है. करंट अफेयर्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मैंने कुछ दिसंबर लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं. The purpose is, the only purpose is, it's not to extend this class but to help you understand what are all the important points. कौन से हमारे सामने important points हैं और क्या क्या हमारे सामने important points हैं. और मैं देख सकता हूँ students भी अपने आप comment करने लगते हैं कि जब भी कोई ऐसे अगर questions बीच में आते हैं तो they are all are saying कि sir it is very helpful. यार obviously तभी तो आप लोग demand करते हो. ठीक है, तो विद दिस नोट वी लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन. चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. नाउ फॉर श्योर इन दिस कमिंग एग्जामिनेशन आपको आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में पक्का इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा. पीएम लॉन्चेस मोबाइल ऐप भीम फॉर आधार बेस्ड डिजिटल पेमेंट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप जिसको नाम दिया गया है भीम, दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रांजैक्शंस with only a thumbprint after the bank account is linked with Aadhaar gateway. Addressing the Digi Dhan Mela at Talikotra Stadium in New Delhi, Mr. Modi said that payments through this new system can be made by just a thumb impression. He said that the new indigenously developed payment app Bheem has been named after the main architect of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. बताइए क्या ये पॉइंट्स सबको क्लियर है? तो इट इज़ भीम. भीम के थ्रू क्या होगा, द पर्सन कैन मेक अ ट्रांजैक्शन, कैन मेक अ डिजिटल कैश ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ हिज थंब इम्प्रेशन बट ओनली आफ्टर द बैंक अकाउंट इज लिंक्ड विद आधार. क्लियर? चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं. हमने लास्ट ईयर भी एग्जामिनेशन में देखा था जो क्वेश्चन आता है वही आता है कि इनमें से कौन सी स्टेट्स में है, तो स्टेट्स हमें याद रखनी है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द डेट्स फॉर द असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स. 5 स्टेट्स में इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं. वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा. यूपी, यूके, पंजाब, मणिपुर, गोवा, दीज आर द 5 स्टेट्स जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं. मार्क दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. और याद रखिएगा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट है विच बिकेम द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016. तो माय आंसर विल बी सिक्किम. सिक्किम हैज इमर्ज एज द इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बाय कन्वर्टिंग अराउंड 75,000 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इनटू सस्टेनेबल कल्टीवेशन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी formally certified full organic state status to Sikkim at a sustainable agriculture conference in Gangtok earlier in 2016. The point here is the first fully organic state कौन सी है? तो the answer to this question is Sikkim. Clear? Now let's come to the next one. हम सबको पता है कि नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के कौन है? इट इज सुरेखा मरांडी. याद रखेगा इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन और इन्होंने रिप्लेस करा है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड सुरेखा मरांडी एज एट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ कौन, इनको इन्होंने रिप्लेस करा है. तो माय आंसर इज यूएस पलेवल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. और नए यूपीएससी चेयरमैन, याद रखिएगा जितनी भी अपॉइंटमेंट्स अभी हमने डिस्कस करी इनमें से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा ही दिखेगा. फॉर श्योर आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा. David R. Silamele has been appointed as the chairman of UPSC और इन्होंने रिप्लेस करा है, किसको रिप्लेस करा है? आलोक सिरोही को. चलिए now let's come to the next one. अब हम यहाँ से शुरू करते हैं. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू जनता जवाब चाहती है एंड दिस इज दी जनवरी एडिशन. आज का जो हमारा पर्पस है वी आर गोइंग ऑन विद द जनवरी एडिशन. तो वो अब बिफोर वी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर जनता जवाब चाहती है का सेशन, आई वॉन्ट टू नो इज इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट राइट नाउ तो दे कैन आस्क. कोई अगर किसी को कोई डाउट है तो यू ऑल कैन आस्क. आई एम हेयर राइट नाउ, आई एम सॉल्विंग दी डाउट्स है. तो अगर कोई डाउट्स है तो बताइए, कोई क्वेरी है तो बताइए और फिर उसके बाद शुरू करते हैं आप में हम लोग शुरू करते हैं आज का सेकंड आज का पहला जनता जवाब चाहती है. मनीषा, इट इज अलका सिरोही, नॉट आलोक सिरोही, इट इज अलका सिरोही. आप देख सकते हैं कैप्सूल का डिस्कशन जो है, कैप्सूल का डिस्कशन ऑलरेडी आ चुका है. कैप्सूल कोई डाउट? इलेक्शन कमीशन वाला टॉपिक में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. इलेक्शन कमीशन वाला जो पॉइंट है, अगर आप कैप्सूल का स्टार्टिंग देखते हो तो कैप्सूल का स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट ही हमारा ये होता है कि व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट द मस्ट डू करंट अफेयर्स. हमारी जो पहली हेडिंग होती है तो उसी हेडिंग में से आपको मिल जाएगा फॉर श्योर. तीसरी चौथी हेडिंग जो है वो इसी से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन वाले पॉइंट से रिलेटेड. तो चलिए नाउ अब लेट्स बिगिन विद दी. तो नाउ लेट्स बिगिन विद दी जनता जवाब चाहती है जनवरी एडिशन. अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, जनता जवाब चाहती है का जनवरी एडिशन. चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सून टू बी रिलीज बुक टाइटल्ड खुल्लम खुल्ला इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ धर्मेंद्र जी, ऋषि कपूर जी, जितेंद्र, नाना पाटेकर और रणधीर कपूर. नाउ द क्वेश्चंस आर आउट. ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है दीज ऑल आर फ्रॉम जनवरी एडिशन. तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है कि द सून टू बी रिलीज बुक टाइटल खुल्लम खुल्ला इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, जितेंद्र, नाना पाटेकर, रणधीर कपूर. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, ऋषि कपूर. मार्क दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the app which has been launched by Pradhan Mantri Modi ji to facilitate digital cash transaction with only a thumbprint after the bank account is linked with Aadhaar gateway. अभी हमने डिस्कस करा, अभी हमने सेम ये क्वेश्चन डिस्कस पॉइंट डिस्कस करा था. पवन, अर्जुन, भीम, हनुमान. Other than the given options, so my answer to this question is C, भीम. अभी हम लोगों ने डिस्कस करा. Let's come to the next one. Who has been appointed as a new Prime Minister of Romania? रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? Who is the new Prime Minister of Romania? रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ऑप्शन है इमोमली रहमान, ओहरो केन्याता, कॉस्टिन बॉक, सेरेन ग्रिंडेव और अदर देन द गिवन ऑप्शंस. तो द करेक्ट आंसर इज डी, सोरेन ग्रिंडेव. मार्क दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर. Who has taken charge as the new chief of army staff recently? Options है बिपिन रावत जी, वीके सिंह, जनरल हिमांशु रेड्डी, जनरल दलबीर सिंह सोहाग और इज इट जनरल बिक्रम प्रसाद. We are now at question number fourth. So the correct answer to this question is A, जनरल बिपिन रावत. स्टूडेंट्स अभी तक के जो चारों क्वेश्चंस हैं दोस ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. आज का जो सेशन है मैं बता दूं, आज का क्वेश्चन हम 10, 15, 20 नहीं करने वाले हैं. वी विल बी कमिंग अप विद अप्रॉक्स 90 क्वेश्चंस. हम आज जनवरी करंट अफेयर्स में से 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन. तो प्लीज़ यार इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. मैं देख सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा है. नो वरीज, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. We will be come out with the same video, we will be come out with the same point. जैसे ये सेशन ख़त्म होता है यू ऑल कैन सी द सेम वीडियो ऑन यूट्यूब एज इट इज़, ये यूट्यूब पे आपको मिल पाएगी। ओके चलिए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द क्वेश्चन नंबर 5 इज Which of the following public sector bank has tied up with the online classified portals magicbrick.com to conduct joint marketing activities and help to rejuvenate the real estate sector? Options are PNB, State Bank of India, Indian Overseas Bank, Central Bank of India, or is it Bank of Baroda? Options आपके सामने आ चुका है। Now the answer is B, State Bank of India. Mark this point is important, बहुत important news है। Now let's come to the next one. An Indian origin Saudi-based entrepreneur Sheikh Rafiq Mohammed, who hails from Kerala, has been appointed as the Major General of Daesh, a real military position occupied by an Indian in the Central Asian country. तो यहाँ पे आपको बताना है कंट्री का नाम, पर्सन है कौन, शेख रफ़ीक मोहम्मद, जिनको जो कि है एक्चुअली केरला से बट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेजर जनरल ऑफ विच कंट्री। तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, मालदीव्स, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और इज इट तजाकिस्तान। तो लेट्स सी, द करेक्ट आंसर इज सी, किर्गिस्तान। द करेक्ट आंसर इज सी, किर्गिस्तान। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 dash an Indian origin British officer of chemistry and DNA expert at Cambridge University has received a knighthood along with Olympic stars Andy Murray and Mo Farah among others Queen Elizabeth II for their contributions. तो आप हमें बताना है कि कौन सी इंडियन ओरिजिन पर्सन है, प्रोफेसर है, जिनको नाइटहुड का अवार्ड जो है वो दिया गया है बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ऑप्शन है रामकृष्ण राव, शंकर बाला सुब्रमण्यम, प्रदीप कुमार मल्होत्रा, कृष्णा सहाय और अदर दैन द गिवन ऑप्शंस। तो ऑप्शंस अब हमारे सामने आ चुके हैं। इज इट अदर देन गिवन ऑप्शंस, रामकृष्ण राव, शंकर बाला सुब्रमण्यम और इज इट प्रदीप कुमार मल्होत्रा? तो लेट्स सी, द करेक्ट आंसर इज बी, शंकर बाला सुब्रमण्यम। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। Which state has emerged as India's first fully organic state in 2016 by converting around 75,000 hectares of agricultural land into sustainable cultivations? अभी हम लोगों ने ये डिस्कस करा था, we discussed that this particular point अभी बहुत ही पहले अभी हमने डिस्कस करा था, वन ऑफ द लास्ट करंट अफेयर्स था ये। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस आर सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, केरला एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सिक्किम। जो इसका सही जवाब है दैट इज सिक्किम। तो मैं देख सकता हूँ कमेंट सेक्शन में, दे ऑल आर गिविंग राइट नाउ द करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज वन द फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी बाय बीटिंग मुंबई बाय 5 विकेट्स इन द फाइनल एट द होलकर स्टेडियम इन इंदौर? किसने जीता है अपना पहला रणजी ट्रॉफी? क्वेश्चन नंबर 9 पर है। गुजरात, केरला, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड द करेक्ट आंसर इज ए, गुजरात। स्टूडेंट्स मार्क दिस पॉइंट एज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसको बनाया है, कौन जीता है अभी रणजी ट्रॉफी? गुजरात। और फॉर श्योर आइदर इन आईपीपीबी और इन लेट्स से आरबीआई असिस्टेंट आपको ये क्वेश्चन आपको दिखने वाला है, पक्का से ये तो दिखने ही वाला है आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ स्कीम ऑफ द कंट्री डिजिटल डाकिया और डिजिटल पोस्टमैन was inaugurated recently in which state to encourage cashless transaction? तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डिजिटल डाकिया और द डिजिटल पोस्टमैन। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमारे सामने है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो इट इज़ बीन इनॉग्रेटेड कहाँ पे, कौन सी स्टेट पे इनॉग्रेट करा गया है? मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट करा गया है। क्लियर? चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 62nd फिल्मफेयर अवार्ड्स 2017? किसको दिया गया है लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 62nd फिल्मफेयर अवार्ड्स 2017? इज इट सुभाष घई, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा? तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज ई, शत्रुघ्न सिन्हा। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ई शत्रुघ्न सिन्हा। एक कमेंट बार बार मेरे सामने आ रहा है दैट इज का ये कैप्सूल कितने महीने का है। वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि यार ये इसमें नवंबर, दिसंबर और 15 दिन का जनवरी हमने इसमें इंक्लूड करा है, तो यू डोंट हैव टू वरी, हमने ये सारा इंक्लूड कर दिया है इसमें। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू लोअर द ब्रोकर फीस बाय 25% to dash per transaction of 1 crore rupees as a part of calibration of various other fees collected by regulator from different market intermediaries. तो अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि जो ब्रोकर फीस है वो 25% से कितना कर दिया है पर ट्रांजैक्शन टू कितना ट्रांजैक्शन। लेट्स सी द ऑप्शंस इज दैट 1 रुपी, 1000 रुपी, 100 रुपी, 15 रुपीज़ और 150 रुपीज़। तो देखते हैं द करेक्ट आंसर इज डी 15 रुपीज़। उसका सही था वो था 15 रुपीज़। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हु पास्ड अवे रिसेंटली। ऑप्शन है प्रकाश सिंह बादल, सुरजीत सिंह बरनाला, दरबारा सिंह, राजेंद्र कौल भट्टल और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। देखते हैं करेक्ट आंसर। दिया करेक्ट आंसर इज सी सुरजीत सिंह बरनाला। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन व्हिच इज एबीयू इंटरनेशनल टेलीविजन डांस फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड इन। द फर्स्ट एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू जिसको हम इंटरनेशनल टेलीविजन डांस फेस्टिवल भी कहते हैं वो कहाँ पर हुआ। ऑप्शंस हैं हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर। द करेक्ट आंसर इज ए हैदराबाद। तो कहाँ पर हुआ है द डांस पर्टिकुलर डांस फेस्टिवल, तो द आंसर इज हैदराबाद। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। Who among the following will take charge as the interim CEO of the public broadcaster प्रसार भारती in February 2017? मतलब प्रसार भारती के interim chairperson कौन बनने वाले हैं। देखते हैं the options is it जवाहर सरकार, एससी पांडा, जयश्री मुखर्जी, मुजफ्फर अली और is it राजीव सिंह। तो the correct answer is E राजीव सिंह। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स सत्यपाल, नितिश, अनीता, नेहा, प्रणय, लकी, दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग। यार प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करते रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पार्टिसिपेशन से ये है कि अगर आप कहीं गलती करते हो तो वो क्वेश्चन तो आपका आज ही पक्का हो जाएगा। मैं बता दूँ आपको दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2017। वी आर हेयर डिस्कसिंग द जनवरी 2017 और पर्पज़ क्या है। पर्पज़ है फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो भी हमारे इतने सारे एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं उसके लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है दिस पर्टिकुलर जनवरी क्लास। ठीक है चलिए अब हम करते हैं द नेक्स्ट वन। नेम द ऐप विच हैज़ बीन लॉन्च बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर टूरिज्म। अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च करी है फॉर टूरिज्म। ऑप्शंस देखते हैं इट इज़ हिनाकिम, डिविकॉन, सनकिन, अमामिन और पिनाकिन। तो देखते हैं द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ई पिनाकिन। क्लियर। चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। नेम द ऑपरेशन विच हैज बीन लॉन्च बाय बीएसएफ विच इज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एट द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान रिसेंटली। बीएसएफ कि ऑपरेशन का नाम बताओ जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च करा गया है। ऑप्शन है सर्द हवा, ठंडी रातें, गर्म मौसम, थोड़ी राहत और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ए सर्द हवा। दिस इज द ऑपरेशन विच हैज बीन लॉन्च बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एट वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान रिसेंटली। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। The harvest festival of Magh Bihu was celebrated across which of the following state recently? Options है Tamil Nadu, Assam, Odisha, Telangana और is it Karnataka? Options हमारे सामने आ चुके हैं Tamil Nadu, Assam, Odisha, Telangana, Karnataka। I think question में ये एक hint है। चलिए देखते हैं the correct answer। The correct answer is बी Assam. Clear? Now let's come to the next one. Airtel Payment Bank, the first payment bank, started its nationwide operation recently with an initial investment of. हम सबको पता है कि Airtel Payment Bank start हुआ starting में राजस्थान में है, but now it has started its operation nationwide recently. Now question है with an initial investment of कितने investment के साथ ये शुरू हुआ है? Options है 1000 crores, 500 crores, 10,000 crores, 3,000 crores और other than the given option. अब इसको देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है. The correct answer is D, rupees 3,000 crores. Clear? Now let's come to question number 20. Which of the following countries has taken over from Thailand as the chair of group of 77, which promotes the interests of 134 developing countries? It represents at the United Nations, including China. तो कौन सी country है which has taken over from Thailand as the chair of the group of 77. Options है Malaysia, Sri Lanka, Pakistan, North Korea और Ecuador. तो देखते हैं इसका सही जवाब. The correct answer is D, Ecuador. Clear? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे next question पे, question number 21st. नेम द कंपनी विच सेल्स लैंड पार्सल टू वाधवा ग्रुप फॉर 190 करोड़. कौन सी कंपनी है जिसने वाधवा ग्रुप को लैंड पार्सल्स सेल कर दिया है? ऑप्शंस है डेल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, कोका कोला और पेप्सिको. अब देखते हैं सर सही जवाब. द करेक्ट आंसर इज ई, पेप्सिको. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22. इंडिया इज ऑल सेट टू गेट इट फर्स्ट वैक्स म्यूजियम इन जून 2017. Which unveils the wax figures of actor Amitabh Bachchan, Lady Gaga in. इंडिया का पहला वैक्स म्यूजियम जो है वो जून 2017 में मिलने वाला है. कहाँ पे मिलने वाला है? क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे मिलने वाला है. स्टूडेंट्स आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, तो इट विल बी रिजॉल्व. आप टेंशन मत लीजिए. बाई चांस अगर आपकी स्क्रीन चली जाती है तो आई कैन क्लियरली सी द स्क्रीन. अगर बाई चांस चली जाती है तो वील टेक अ पॉज फॉर अराउंड 2 or 3 minutes एंड देन वील कंटिन्यू. अगर बाई चांस होता है तो मैं देख सकता हूँ स्क्रीन वापस आ चुकी है. ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद. द करेक्ट आंसर है सी, न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में आने वाला है इंडिया का पहला वैक्स म्यूजियम. चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23. नेक्स्ट क्वेश्चन. The government will sell its entire 51% stake and transfer the management control of helicopter service operator Pawan Hans. It is a joint venture where Dash holds 49%. कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो अपना 51% स्टेक जो है दैट विल गिव, जो स्टेक है वो भी दे देगी एंड ट्रांसफर द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द हेलीकॉप्टर सर्विस पवन हंस. जो क्वेश्चन है वो ये कि इट इज अ जॉइंट वेंचर. तो 51% गवर्नमेंट का, तो 49% कौन होल्ड करता है? ऑप्शन है ओएनजीसी, एयर इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल और इज इट भेल. तो देखते हैं 23rd का करेक्ट आंसर. द थर्ड आंसर ऑफ 23rd इज AONGC. द आंसर इज AONGC. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन आराम से पड़ेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है. जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैज साइंड अ 1 trillion yen, विच इज अबाउट $8.7 billion, 8 package over the next 5 years to the Philippines, meant to improve economic and political relations between the two island nations. अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो डील हुई है दैट इज बिटवीन जापानीज प्राइम मिनिस्टर और फिलीपींस के बीच में हुई है. तो क्वेश्चन यही है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान. तो ऑप्शन है जी जिनपिंग, शिंजो अबे, रॉड्रिगो डुटेर्टा, पार्क ग्विन है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस. तो अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है. द करेक्ट आंसर इज बी, शिंजो अबे. द करेक्ट आंसर इज बी, शिंजो अबे. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप? ऑप्शंस है बी मुथुरमन, ए मुथुरमन, बी इशात हुसैन, सी एच चंद्रशेखरन, डी नोएल टाटा और इज इट ई अरुण सरीन. लेट्स सी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज सी एन चंद्रशेखरन. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 26. The government of India has increased the minimum monthly pension to dash per person besides a two-fold hike in extra cachet amount for central government employees. Options है A 15,000, B 20,000, C 11,000, D 9,000 और is it E 5,000. तो जो मंथली पेंशन है, मिनिमम मंथली पेंशन है, वो कितने से इंक्रीज कर दी है? ऑप्शन है 15,000, 20,000, 11,000, 9,000, 5,000. चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज D 9,000 रुपीज. क्लियर? Now let's come to the next one. Question number 27th. Which among the following companies has signed a non-binding MOU with Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited and Rajasthan Urja Vikas Nigam Limited for takeover of Chhabra Thermal Power Plant Stage 1? For takeover of Chhabra Thermal Power Plant Stage 1. Options है RIL, BHEL, TCS, ONGC, NTPC. ऑप्शंस आपके सामने है रेल, भेल, टीसीएस, ओएनजीसी, एनटीपीसी. चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ई एनटीपीसी. स्टूडेंट्स मैं देख सकता हूं आई थिंक स्क्रीन थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रही है, तो यू डोंट हैव टू वरी. आप लोग वरी मत करो, इट विल बी रिजॉल्व, इट विल बी रिजॉल्व. माई टीम इज वर्किंग ऑन इट कि अगर थोड़ा सा मिसमैच होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, वी विल टेक अ पॉज एट दैट मोमेंट ओनली. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर. Who has been appointed as a Maharashtra Cricket Association President recently? किसको MCA का नया प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली बनाया गया है? ऑप्शंस है शरद पवार, एन चंद्रशेखरन, आशीष शेलार, राजेश गोपीनाथन और एन गणपति सुब्रमण्यम. चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज बी आशीष शेलार. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 29. वंस अगेन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको दोबारा एक बार सही से रीड करने. ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 3.4 मिलियन इन 2017 डिस्पाइट अ लाइकली मॉडस्ट पिकअप इन इकोनॉमिक ग्रोथ एट 3.4% इन 2017 एंड 3.6% इन 2018 अगेंस्ट द 6-year लो ऑफ 3.1% इन 2016 सेज अ रिपोर्ट ऑफ ILO विच इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक फैक्ट आया है जिसमें बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो राइज करेगी डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि 2017 में हो सकता है 3.4 और 2018 में हो सकता है 3.6. क्वेश्चन हमारा ये है, नो दिस इज वन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन के डिस्कस करें ILO के बारे में. तो क्वेश्चन ने पूछ लिया वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ILO, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शंस देखते हैं जेनेवा, नैरोबी, पेरिस, न्यूयॉर्क और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन. चलिए देखते हैं द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ए जेनेवा, स्विट्जरलैंड. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 30th. In which among the following cities the world's first Gentle Literature Festival is scheduled to be held in second week of April 2017? Mark this point as important. बहुत important point है ये कि कहाँ पे होने वाला है the Gentle Literature Festival 2017. तो चलिए अब हम देखते हैं दी ऑप्शंस. ऑप्शंस आर गांधीनगर, भोपाल, देहरादून, पटना, लखनऊ. चलिए द करेक्ट आंसर इज डी पटना. इसका सही जवाब है वो है डी पटना. चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर. इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, हम सबको पता है इट हैज स्टार्टेड, is giving how much interest on saving accounts which makes it the highest interest rate offer. मतलब ये जो सेविंग्स में जो अमाउंट दे रहा है, सेविंग इंटरेस्ट रेट जो दे रहा है वो थोड़ा सा हाईएस्ट दे रहा है. ऑप्शंस हैं 4.5, 7.25, 6, 5.25 और इज इट 8. तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट आंसर इज बी 7.25. जो इसका सही जवाब है वो है 7.25%. ये जो दे रहा है वो 7.25% का इंटरेस्ट दे रहा है. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30. Dash is the first Indian to get drafted in an NBA franchise, has received an offer from wrestling entertainment firm WWE. Important point है, याद रखिएगा. Dash जो कि first Indian to get drafted in NBA franchise has received an offer from the wrestling entertainment firm WWE. चलिए देखते हैं दी ऑप्शंस. ऑप्शंस हैं यूनस कुरैशी, कुमार रौनक, सतनाम सिंह, मोहन परविंदर और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी सतनाम सिंह. हम सबको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पर। Who has named, mark this question is important, who has named as the best actress for Chutney at the Jio Filmfare Short Film Awards? यहाँ पे we are discussing about short films. Options है दृष्टि धामी, जयश्री सिंह, श्वेता तिवारी, दिव्यांका त्रिपाठी और is it E. तिस्का चोपड़ा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। The correct answer is E. तिस्का चोपड़ा। याद रखिएगा, this is for the Jio Short Film अवार्ड्स, जियो फिल्मफेयर शॉर्ट फिल्म अवार्ड जो कि फर्स्ट टाइम दिए गए हैं। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। Who has been appointed as the president of BMW Group India effective from March 1st, 2017? तो कौन बनाए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ BMW ग्रुप इंडिया के? करण बाजवा, दिलीप वेंगसरकर, कुमार शरदिंदु, विक्रम पावा और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी, विक्रम पावा। Clear? Now let's come to the next one. The Indian hockey team captain Dash has become the member of International Hockey Federation Athletes Committee. कौन बनी है member of International Hockey Federation Athletes Committee की? PR Sejesh, Manpreet Singh, Sardar Singh, VR Raghunath और none of the given option. So the correct answer is A. PR Sejesh. Mark this point is important. बहुत important point है ये। चलिए अब हम आते हैं question number 36 पर। Which among the following northeastern states has signed an MOU with NDDB to promote dairy development recently? कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने अग्रीमेंट साइन कराया है NDDB के साथ टू प्रमोट द डेयरी डेवलपमेंट? ऑप्शंस है मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। तो देखते हैं द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 37। Name the private sector bank which has helped at Kanyakumari district in southern Tamil Nadu have introduced a digital wallet and POS to enable their devotees pay donations recently. कौन सा private sector bank है which has helped at Kanyakumari district in southern Tamil Nadu have introduced digital wallets and POS to enable devotees to pay their donations recently? ऑप्शन है साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी, HDFC बैंक। मार्क दिस पॉइंट एज इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। नेम द सेकेंड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन दैट हैज लॉन्च्ड एट मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई रिसेंटली। तो क्वेश्चन है कि द नेम बताओ ऑफ द सेकेंड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ऑप्शन है गरुड़, विकसित, खंडेरी, पवनपुत्र और नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, खंडेरी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। हेल्थ मिनिस्टर विल बी टू लॉन्च द मीजल्स रूबेला वैक्सीन टू रोल आउट इन गोवा, कर्नाटका, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु बिटवीन February 3rd and 4th। तो क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि ठीक है देयर विल बी इस वैक्सीन के मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन को रोल आउट करने के लिए लॉन्च होगा। कौन करेंगे? हेल्थ मिनिस्टर करेंगे। तो क्वेश्चन अब हमारा ये कि ये बताओ कि हु इज़ करेंटली द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है जगत प्रकाश नड्डा, DV सदानंद गौड़ा, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद और इज इट डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलिए देखते हैं द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज A. Jagat Prakash Natta. Clear? Now let's come to the next one. Question number 48. India and Kenya have signed agreements in the area of agriculture, which were inked after delegations level talks between the Prime Minister and Kenyan President Uhuru Kenyatta in New Delhi. So India और Kenya ने sign करे। पहला point यही है, recently in the areas of agriculture. अब क्वेश्चन यहाँ पे आ गया केन्या के प्रेसिडेंट कौन है। केन्या के प्रेसिडेंट भी हमारे सामने हैं उहुरु तो केन्याता। तो थर्ड क्वेश्चन कुड बी जब ये बताओ कि यार ये बताओ कि कैपिटल क्या है केन्या की। तो ऑप्शंस है मॉस्को, बर्लिन, जकार्ता, ब्रसल्स, नैरोबी। तो देखते हैं द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज ई, नैरोबी। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 41। द US फास्ट फूड जाइंट मैकडोनल्ड अनाउंस टू सेल इट्स बिजनेस इन विच कंट्री रिसेंटली for $2.08 billion to CITIC and the कैडल ग्रुप। मैकडोनल्ड ने कौन सी कंट्री से अपना बिजनेस जो है वो बेचने की बात बेचा है टू सिटिक एंड द कैडल ग्रुप। ऑप्शन है इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान। तो चलिए देखते हैं द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज बी, चाइना। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 42। Former wrestler and coach Mahavir Singh Fogart made his way to launch of his authorized biography dash in Chandigarh। तो अब हमें ये बताना है कि उनकी authorized biography का नाम क्या है। ऑप्शन है अखाड़ा, दंगल, कुश्ती, मसल और other than the given options। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। द करेक्ट आंसर इज ए, अखाड़ा। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 43। जिम्नास्ट याना Kudratseva has retired from competition aged at just 19. Kudratseva won 13 gold champions from 2013 to 2015. She belonged to which country? तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक जिम्नास्ट का नाम दिया गया है याना Kudratseva, कौन सी कंट्री से थी, कौन सी कंट्री से हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है। ऑप्शंस है चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया। तो देखते हैं इसका सही जवाब। द करेक्ट आंसर इज ई, रशिया। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 44। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली सेंट 3 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस इन इट्स फर्स्ट कमर्शियल मिशन using an updated version of the low-cost Quanzhou 1A rocket, amidst the communist giant determined bid to expand its ambitious space program। तो in short question ये है कि किस country ने अभी 3 satellites भेजी है with its low-cost Quanzhou 1A rocket। आप देख सकते हो question कितना बड़ा है students। जब भी question बड़ा होता है उसको reading उसको प्रॉपर रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट आपको क्रक्स पता लग सके एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे हमें क्रक्स पता लग चुका है। ऑप्शन हमारे सामने है यूएई, ऑस्ट्रिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी, चाइना। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 45। इंडिया हैज अनाउंस्ड how much line of credit to Kenya for agriculture mechanization after talks between Prime Minister Narendra Modi and Kenyan President Uhuru Kenyatta। मतलब कितना line of credit to Kenya का sign हुआ है between India और Kenya। Options है $100 million, $10 million, $10 billion, $50 billion, $500 million और other। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, $100 million। तो मार्क दिस पॉइंट एज इम्पॉर्टेंट। 45 का जो इम्पॉर्टेंट है वो है ए पॉइंट, $100 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू केन्या फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। और अभी रिसेंटली इंडिया और केन्या के बीच में एग्रीकल्चर के बीच में मेमोरेंडम साइन हुआ है। ये भी हमने डिस्कस करा है इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पार्ट 1। यहाँ पे हम फिनिश ऑफ होते हैं विद द फर्स्ट पार्ट 1 से लेकर 45 तक का। अब 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कम आउट विद द क्वेश्चंस सो दैट देन वी विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट जो कि है 46 से लेकर 90 क्वेश्चंस तक का। और फिर विल रैप अप आज का शो। ऑब्वियसली वी कैन क्लियरली सी कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो सकता है। मे बी ये 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे का हो। तो इट कुड बी अराउंड 11:30 से 11:45 के बीच में ओवर होगा। तो इट विल बी अ बिट लॉन्ग। तो इसलिए अगर कोई डाउट है तो पूछिए। वी कैन हैव अ 2 or 3 मिनट्स ब्रेक और देन वी विल कम आउट विद द सेकंड पार्ट दैट इज फ्रॉम 46 क्वेश्चन टू 90 क्वेश्चंस। कोई डाउट? Mindi Garish, I will be providing this PDF on Bankersadda and Adda 247 app by the end of the evening. आप शाम तक आपको ये PDF मिल जाएगा, तो don't worry. विजय, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग का मतलब होता है बैंकिंग अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, तो वी हैव द BBM शोज और हमने इसके अलावा हमने बैंकिंग अवेयरनेस भी कैप्सूल में डाली है, तो यू कैन गो थ्रू दैट, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशंस. शुभम, वी हैव नॉट डिड द वीकली सेशन ऑफ एक ही दिन एक वीक का, तो डोंट वरी, आज भी एक तरीके से आप वीकली सेशन ही मान सकते हो. वी हैव कम आउट विद 15 डेज, हम 15 दिन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यू कैन लर्न ऑल दीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो डोंट वरी ऑन दैट. सुमन, वी हैव ऑलरेडी शेयर द कैप्सूल लिंक. अगर आपको अभी भी कैप्सूल नहीं मिला है तो bankersadda.com पे जाइए, या वी हैव द ऑफिशियल ऐप अड्डा 247 ऐप, जिससे आप अड्डा का दंगल भी देख रहे हैं, उस पर जाइए, कैप्सूल पे क्लिक करिए, यू विल फॉर श्योर यू विल सी द कैप्सूल, आपको कैप्सूल दिख जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन. उसमें आप फर्स्ट कैटेगरी में दिख जाएगा. हिंदी का कैप्सूल जो है वो हम मैक्सिमम कल तक हम लॉन्च कर देंगे. ऐप में भी यू कैन क्लियरली सी कैप्सूल हम लोगों ने दे दिया है. तो चलिए विद दिस नोट, विद दिस इन्फॉर्मेशन कि कैप्सूल ऑलरेडी अवेलेबल और कल से अवेलेबल है. यार अगर आपको अभी भी नहीं पता तो देन यू आर मिसिंग मेनी थिंग्स. अगर आप में से बहुत सारे जने ऐसे हैं जो कि पहली बार इस डिस्कशन में बैठे हैं तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स वेलकम, आई वेलकम यू ऑल. बट आप लोगों ने बहुत कुछ मिस करा है इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन, फॉर द प्रीवियस एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जो भी कैप्सूल्स के डिस्कशन कराया उसमें मैक्सिमम पेपर उनमें से निकल कर आया है और इसका जो फीडबैक है आपको स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं. चलिए तो अब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ शुरू करते हैं विद नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर. Who has been named as the coach of the year at the FIFA Football Awards 2016 in Zurich, Switzerland? Options है Arizona Cardinals, Baltimore Ravens, Atlanta Falcons, Claudio Ranieri, or none of the given options. So the correct answer is D. Claudio Ranieri. Now the next question, question number 47. अब हम जल्दी से शुरू करेंगे और बहुत ही एक जल्दी से एक flow बना के we'll finish off each and every question. Question number 47. Who has been appointed as the new CEO of Flipkart after replacing the co-founder Binny Bansal? Option A. Kalyan Krishnamurthy, Dilip Vengasekar, Karan Bajwa, S. Padmanabhan, और Kumar श्रद्धा दिंदू. तो चलिए अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ए कल्याण कृष्णमूर्ति. क्वेश्चन नंबर 48. An 8-year-old boy from Jammu Kashmir dash has won gold medals in Thai boxing championship at the national level. A class 2nd student was felicitated by the district authorities and civil administration as well as by the police. तो यहाँ पे आपको बताना है 8-year boy का नाम. ऑप्शन है रामेंद्र झा, रघुबीर, नितिन, अबू अमस, मोहन रॉय और none of the given options. तो चलिए देखते हैं द करेक्ट आंसर इज C. Abu Amas. Question number 49. The 74th annual Golden Globe Award ceremony was organized at Beverly Hills, California, USA. Which movie has won the Best Motion Picture Drama? Dhyan rakhna, we are here talking about drama. Options are La La Land, Moonlight, Isabel, Zootopia, or none of the given options. So, chaliye dekhte hain. The correct answer is B. Moonlight. Chaliye, now let's come to question number 50th. Veteran British war correspondent Dash who broke the news of Nazi invasion of Poland has died in Hong Kong at the age of 105. तो यहाँ पे आपको नाम बताना है दी ब्रिटिश वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट का ऑप्शन है. हुबर्ट प्रेजर, क्लारे हॉलिंगवर्थ, फिलिप हैमॉन्ड, थेरेसा मे और इट इज नन ऑफ द गिवन ऑप्शन. तो चलिए इसका करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ए क्लारे हॉलिंगवर्थ. Clear? Now let's come to question number 51st. The World Bank, mark this question is important. The World Bank has declared India's growth rate for 2016-17 fiscal to how much percent from its previous estimate of 7.6%? Option is 7.3, 7.5, 7.0, 7.1 or 6.8. So let's see. The correct answer is C, 7.0%. Clear? Now let's come to question number 52. ISRO and CNES has signed a partnership agreement in satellite launch technology in Bangalore recently. The Centre National de Etudes Spatiales, CNES is the government space agency, or matlab CNES is the full form which is the Centre National de Etudes Spatiales, which is CNES, is the government space agency of option A USA, Brazil, Germany, Russia, France. So chaliye dekhte hain the correct answer. The correct answer is E, France. Now, question number 53rd. Reigning Olympic and World 800-meter champion and world record holder David Rudisha is the international event ambassador for the 14th Standard Chartered Mumbai Marathon, which is to be held, which was held on 15th of January 2017. David Rudisha belongs to which country? Now question हमारे सामने आया है जो किस country से belong करते हैं. Options है South Africa, Kenya, Jamaica, Uganda और none of the given options. तो चलिए देखते हैं the correct answer. The correct answer is B, Kenya. चलिए now let's come to question number 54. Indian tennis ace Sania Mirza won the 2017 Brisbane International Open doubles title recently with her partner. उनकी partner का नाम बताना है. Option है बाराबोरा, स्टेरिकोवा, एलेना, वेसिना, बेथनिया, सैंड्स, इकैटिनना, मकारोवा और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन. तो चलिए देखते हैं द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज सी, बेथनी मेटिक सैंड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. सानिया मिर्जा ने जीता है रिसेंटली ब्रिस्बेन इंटरनेशनल वुमेन्स ओपन. चलिए नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 55. According to the growth prediction by CSO, which is the Central Statistics Office, agriculture, forestry, fishing sector is likely to show a growth of dash during 2016-17. तो याद रखना है यहाँ पे हम तीन particular sectors का मिला के पूछ रहे हैं, agriculture, forestry and fishing. Options हैं 1.2, 2.2, 3.5, 3.9 और 4.1. देखते हैं. The correct answer is 4.1%. Clear? Now let's come to question number 56. Who has been appointed as the MD and CEO of SBI Pension Funds Private Limited recently? Options हैं कुमार शरदिंदु, अशोक रेड्डी, श्रीनाथ पद्माना भवन और अनिल बाजवा और लास्ट है नॉन. तो देखते हैं द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कुमार शरदिंदु. Clear? Now let's come to question number 57. Which among the following state government has come up with India's first student startup and innovation policy, which aims to provide rupees 200 crores in the form of grants to ideas developed by them? Options are Rajasthan, West Bengal, Assam, Gujarat, Maharashtra. तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब. The correct answer is D, Gujarat. Clear? Now let's come to the next one. Question number 58. In which city the Power Minister Piyush Goyal has unveiled world's largest street light replacement program recently? सबसे बड़ा street light replacement program कहाँ पे launch हुआ है? Options है हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली. तो the correct answer is E, न्यू दिल्ली. चलिए अब हम आते हैं question number 59 पर. Who among the following has won the men's single title of 2017 Chennai Open? इस साल का 2017 का चेन्नई ओपन किसने जीता है? It is Janko Tipsarevic, Daniel Medvedev, Pablo Busta, Roberto Agut और it is Thomas Bedick. चलिए देखते हैं the correct answer. The correct answer is D, Roberto Agut. चलिए अब हम बढ़ते हैं question number 68. Name the person who has given award by the US Embassy in appreciation for his invaluable contribution to the US-India partnership on tuberculosis recently. बहुत important है, बहुत important point है. Mark this point as important. कि किस person को दिया गया है US Embassy ने award for promotion of US-India partnership on tuberculosis. Options है सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, विद्या बालन, आमिर खान और is it MC मेरी कौन. चलिए देखते हैं द करेक्ट आंसर इज बी अमिताभ बच्चन. चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड अ पेटेंट फॉर लॉन्चिंग अ जायंट फ्लाइंग वेयरहाउस दैट वुड एक्ट एज अ लॉन्च पैड फॉर ड्रोन्स टू डिलीवर आइटम्स विद इन मिनट्स. तो किस ई कॉमर्स कंपनी को ये परमिशन मिली है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ऑप्शंस है फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेजॉन, मोबीक्विक, अदर देन द गिवन ऑप्शंस. तो चलिए देखते हैं द करेक्ट आंसर इज सी अमेजॉन. क्वेश्चन नंबर 62. India is ranked third among the countries offering the highest average annual salary to expatriates according to HSBC holding data. Which country ranked the highest in the world to pay the average annual salary to expatriates? तो ऑप्शंस है USA, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड. तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब. द करेक्ट आंसर इज डी, स्विट्जरलैंड. अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 पर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी. अभी हमने इसको डिस्कस करा था. ऑप्शंस है सुरेश कलमाणी, तकम परियो, नरेंद्र बत्रा, बिपिन रावत और इज इट डेविड आर सीएमएल. देखते हैं इसका सही जवाब. तो सही जवाब इज ई, डेविड आर Siamel. Clear? Now let's come to question number 64. Which of the following countries have become the first country in the world to pay a basic income to randomly picked citizens on a national level? कौन सी country के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसने country को to pay a basic income to randomly picked citizens on a national level, basically paying amount to the unemployed? Options है Finland, Norway, USA, China, Denmark. चलिए देखते हैं इसका सही जवाब. The correct answer is A, Finland. चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65. Cabinet has approved signing and ratifying an agreement between India and Uruguay regarding cooperation and mutual assistance in customs matters recently. तो क्वेश्चन है अब हमारा वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूरागुए. ऑप्शन है मॉन्टेवीडियो, कैम्पाला, प्योंगयांग, अबुजा और अदर देन द गिवन ऑप्शंस. चलिए देखते हैं इसका सही जवाब. द करेक्ट आंसर इज A, Montevideo. Now let's come to question number 66. Who will be the skipper in the India's women's cricket for the International Cricket Council's World Cup qualifiers, which is to be played from February 3rd to 21st, 2017 in Colombo. मतलब ICC क्रिकेट काउंसिल के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए वुमेन्स की टीम को कौन लीड करने वाला है. ऑप्शन है स्मृति मंदाना, मिथाली राज, लतिका कुमारी, हरमनप्रीत कौर और इज इट सोनिया दाबिर. चलिए देखते हैं इसका सही जवाब. द करेक्ट आंसर इज बी, मिथाली राज. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 67. Which among the following countries has defeated Bangladesh to win their 4 consecutive SAF, which is the South Asian Football Federation Women's Football Championship title in Siliguri, West Bengal? Options है श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल. तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब. द करेक्ट आंसर इज सी, इंडिया. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 68. रशिया रिसेंटली डिलीवर्ड 4 Sukhois, that is Su-35 fighter jets to which of the following countries after a delay of 2 years? Options है सऊदी अरेबिया, ईरान, सीरिया, इंडिया, चाइना. द करेक्ट आंसर इज डी, ई, China. Clear? Now let's come to question number 69. The United Nations 70th General Assembly has recognized the year 2017. पहला question तो यही है कि the year 2017 as International Year of Sustainable Tourism for Development. Mark this fact as important. International Year of Sustainable Tourism for Development. अब question है हमारा है who is the present General Secretary of United Nations? ऑप्शंस है जिम योंग किम, रोबोटो अजीविडो, बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस और अदर देन द गिवन ऑप्शंस. तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है. द करेक्ट आंसर इज डी, एंटोनियो गुटेरेस. क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70th। Who has been appointed as the Executive Director of Reserve Bank of India recently? अभी recently किसको बनाया गया है RBI का Executive Director? ऑप्शन है अस्थाना रेड्डी, नरेंद्र बत्रा, बिपिन रावत, अजय शिर्के और डिजिट सुरेखा मरांडी। देखते हैं इसका सही जवाब। द करेक्ट आंसर इज ई, सुरेखा मरांडी। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 71st। Who has been elected as the President of Haiti recently? हेती के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ऑप्शंस है एडवर्ड जूल्स, जोवेनल मॉइस, इवांस पॉल, रॉबर्ट लैब्रॉस और इज इट अदर देन द अबव। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। द करेक्ट आंसर इज बी, जोवेनल मॉइस। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 72। 9-member government panel formed to make recommendation for bringing out a comprehensive national sports development code across all disciplines. This committee is headed by, तो मतलब the purpose is the committee is to bringing out a comprehensive national sports development code. इस committee को कौन head कर रहा है? Options है इंजेती श्रीनिवास, अभिनव बिंद्रा, प्रकाश पादुकोण, कीर्ति आजाद और अदर देन द गिवन ऑप्शंस। देखते हैं सही जवाब। द करेक्ट आंसर इज ए, इंजेती श्रीनिवास। क्लियर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 73rd। Mobile commerce and payment company Paytm has got the final permission to open a payment bank by Reserve Bank of India. Okay. Payment bank will initially be restricted to holding a maximum balance of how much amount per individual customers. तो क्वेश्चन अब हमारा यही है कि पेमेंट बैंक जो है उनको एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि दैट दे कैन होल्ड अ मैक्सिमम बैलेंस ऑफ हाउ मच अमाउंट पर इंडिविजुअल। ऑप्शन है 50,000 पर इंडिविजुअल, 5 लाख पर इंडिविजुअल, 2 लाख पर इंडिविजुअल, 10,000 पर इंडिविजुअल और 1 लाख पर इंडिविजुअल। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। द क्वेश्चन नंबर, द करेक्ट आंसर इज ई, 1 लाख पर इंडिविजुअल। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 74th। Arthur Robert Morris has become the 82nd player inducted into the ICC Cricket Hall of Fame recently. Arthur Robert Morris was the cricketer of which country? क्वेश्चन ये है कि जिनको अभी रिसेंटली ICC Cricket Hall of Fame में इंडक्ट करा गया है, ये किस कंट्री के क्रिकेटर थे? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और अदर। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। द करेक्ट आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स अभी अभी रिसेंटली हमारे सामने एक न्यूज़ आ चुकी है, जैसे हमने कहा था कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी आईपीबी के एग्जाम्स के बारे में पता लग जाए, एंड हियर इट इज, द वर्डिक्ट इज आउट। आईपीबी का जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 29 जनवरी को होने वाला है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आरबीआई असिस्टेंट के 5 दिन बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो नाउ दिस पर्टिकुलर कैप्सूल इज, जैसे कि हमने पहले ही कहा था, इट इज़ फॉर आरबीआई एग्जामिनेशन एंड इट इज़ फॉर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एग्जामिनेशन और उसके बाद इट इज़ फॉर आईडीबीआई एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ अब इसको लर्न करना शुरू कर दो। ये इस पूरे डिस्कशन को मैं देख सकता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो दे कैन सी दिस होल वीडियो ऑन यूट्यूब। जैसे ही हमारा सेशन ओवर होगा ये यूट्यूब पे आपको विजिबल हो जाएगी। क्लियर। चलिए मूव ऑन विद द 75th क्वेश्चन। स्टेट ओन फ्यूल रिटेलर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल ऑफर एन अपफ्रंट डिस्काउंट ऑफ डैश रुपीज ऑन एवरी एलपीजी रिफिल टू ऑल एलपीजी कस्टमर्स हु विल बुक एंड पे फॉर इट। तो कितना डिस्काउंट दिया जाएगा जो कि ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं? चलिए देखते हैं। 100 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये या 50 रुपये। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 5 रुपीज। चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। आईपीबी का रिजल्ट भी आ चुका है, जैसे मैंने बताया था, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग दिस वीडियो हमारा रिजल्ट आ जाए, एंड इट इज प्रूव्ड वंस अगेन। एक और चीज़ हमारी वीडियो के बीच में आईपीबी का रिजल्ट भी आउट हो चुका है, तो नाउ यू ऑल कैन सी द रिजल्ट। चलिए जल्दी से सेशन को ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। द म्यूनिक रे इज ओपनिंग अ कॉम्पोजिट ब्रांच ऑफिस इन मुंबई। द वर्ल्ड्स लीडिंग री इंश्योरेंस बेस्ड इन, कहाँ की री इंश्योरेंस कंपनी है ये? ऑप्शन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, फ्रांस, हांगकॉन्ग। तो लेट्स सी द करेक्ट आंसर इज ए, Germany. Now let's come to question number 77th. Name the veteran actor who gave countless memorable performances in movies of diverse genres, died at his residence in Mumbai recently. Option F, Kader Khan, Farhad Aslani, Paresh Rawal, Om Puri or other than the given options. तो चलिए देखते हैं the right answer is D, Om Puri. चलिए question number 78. Name the insurance company which has been tied up with Small Industries Development Bank of India for augmenting capital support to enterprises in the country, ताकि वो enterprises को क्या प्रोवाइड करा सके, कैपिटल सपोर्ट दे सके. ऑप्शन है GIC, LIC, NIACL, UIAC अदर देन द गिवन ऑप्शंस. चलिए देखते हैं इसका सही जवाब. द करेक्ट आंसर इज B, LIC विच इज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. चलिए नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 79. IBM has appointed Dash as Managing Director of IBM India Private Limited, succeeding Vanitha Narayan who has been appointed as the Chairman. तो Chairman भी पता लग गया, Chairman कौन है? Chairman है Vanitha Narayan. अब देखते हैं Managing Director कौन है? Is it Mangu Yadav? Is it Sumendra Pradhan? Is it Mohan Reddy? Is it Karan Bajwa? Or is it other than the given options? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब. The correct answer is D, Karan Bajwa. Clear? Now let's come to the next one. Question number 88. Renowned Dash Abdul Halim Jafar Khan died due to cardiac arrest. तो ये किस फील्ड में थे? सिंगर, कथकली डांसर, सितार, माइस्ट्रो, तबला प्लेयर और अदर देन द गिवन ऑप्शंस. चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है. द करेक्ट आंसर इज C, सितार, माइस्ट्रो. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव कम आउट विद द लास्ट 10 क्वेश्चंस. अब आपकी स्क्रीन पर है हमारे लास्ट 10 क्वेश्चंस. लेट्स कम आउट विद the last 10 and end this particular the first day 1 of the Indian Post Payment Bank and RBI Assistant Mains Capsule Discussion. Question number 81 आपकी screen पर. Who has been appointed as the British new ambassador to European Union recently? Options है Tim Barrow, Evan Rogers, Takam Pario, Jovenel Moyes or others. तो the correct answer is Tim Barrow. Now let's come to the next one. Question number 82. The gross domestic product is estimated at dash in 2016-17 as per the recently released CSO data. Mark this question is important. GDP कितना होगा? Options है 6.9, 7.1, 7.3, 7.4 और 7.6. चलिए देखते हैं the correct answer. The correct answer is B, 7.1%. चलिए अब हम बढ़ते हैं question number 83 की तरफ. The 14th Pravasi Bharatiya Divas convention has been kicked off in Bengaluru, Karnataka. The 3-day event has been kick-start with the youth PBD. The theme of 14th PBD is, तो theme पूछी गई है 14th PBD की. Options है every year to commemorate the return of Mahatma Gandhi, NRIs and overseas Indians community students in India. 3 plenary sessions are scheduled to be held. Role of diaspora youth in the transformation of India or is it none of the given option? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब. The correct answer is D, role of the diaspora youth in the transformation of India. Mark this point as important. The theme of 14th PBD which is the Pravasi Bharatiya Divas. Chale, question number 84. Which among the following countries has launched the longest high speed train service named Shangri-La of the world? Chale, options are Canada, France, South Korea, Russia, China. The correct answer is E, China. Question number 85. In which among the following cities the All India Conference of Chairpersons and Chief Executive Officers of States and UTs Waqf Board as held? तो कहाँ पर हुई है the All India Conference of Chairpersons and Chief Executive Officers of States and UTs Waqf Board held? Delhi, Bengaluru, Kolkata, Lucknow, Hyderabad. जो चलिए देखते हैं the correct answer. The correct answer is A, New Delhi. चलिए question number 86. India's per capita income, which is a gauge of measuring the living standard, is estimated to cross 1 lakh in 2016-17, up from 93,293 in the previous fiscal. Which among the following organization has released the India's per capita income? I think ये सबको आंसर इसका आना चाहिए. UIDAI, CSO, RBI, BCCI और is it NABARD? चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. The correct answer is BCSO, which is the Central Statistics Office. चलिए अब हम बढ़ रहे हैं question number 87. The question number 87. Name the country which is setting up the world's highest altitude gravitational wave telescope in a Tibet prefecture close to line of actual control with India, with a budget of $18.8 million to detect The faintest echoes resonating from the universe which may reveal more about the Big Bang theory. इस क्वेश्चन में बहुत सारे हिंट्स हैं जिसमें मुझे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कंट्री कौन सी. ऑप्शंस हैं यूएसए, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया. तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज डी, रशिया. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88. Prime Minister Narendra Modi and his Portuguese counterpart Dash has inaugurated the main convention of Pravasi Bharatiya Divas. Mark this point as important. कौन किन्होंने मिलके इनॉग्रेट करा है. ये ऑप्शंस आर मोरिको मैकरी, एंटोनियो कोस्टा, मेरिनियो रोजॉय, फ्रैंकोइस होलांडे और नन ऑफ द अबव. तो द करेक्ट आंसर इज बी, डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा. क्वेश्चन नंबर 89. यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैज नेम्ड डैश हैज हिज NID which is the National Intelligence Director. ऑप्शंस है विवियन क्रिस, जॉन जोन्स, बोनी मैक गेल, डैन कोट्स और इज इट स्टीव जैक. चलिए इसका देखते हैं द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज डी, डैन कोट्स. नाउ वी हैव कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 90th. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90th. द GAAR विल किक स्टार्ट फ्रॉम April 1, 2017 सेट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. तो अब पूछा है आपसे कि GAAR की फुल फॉर्म क्या है. ऑप्शंस है जर्नल एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रिवाइज्ड, जर्नल एंटी एग्रीमेंट रूल, जर्नल एक्शन अवॉइडेंस रूल और इधर जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल. तो अब हम देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ई, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल. तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 90 क्वेश्चंस ऑफ जनवरी 2017. मार्क दीज ऑल दीज क्वेश्चंस इज इम्पॉर्टेंट. इसका PDF हम बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे. नाउ यू हैव द क्वेश्चंस, नाउ यू हैव द आंसर्स एंड नाउ यू हैव सम मोटिवेशन. एग्जामिनेशन आपका सामने है. IPPB का एग्जामिनेशन है, RBI असिस्टेंट मेन्स का एग्जामिनेशन है. दोनों के एग्जामिनेशन आपके सामने है. चलिए अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर. लेट्स लुक आउट द नेक्स्ट स्लाइड. और आज का जो हमारा मोटिव है वो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सॉलिड सा मोटिव है. वो है क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग. बहुत हम बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बात करते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करेंगे, वो करेंगे. बट जो माइंडसेट अब होना चाहिए हमारा वो ये होना चाहिए बातें बहुत हो गई यार, अब कुछ करके दिखाते हैं. तो क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग. तो विद दिस नोट स्टूडेंट्स, विद दिस नोट आई योर होस्ट एंड दोस्त गोपाल आनंद. आज के लिए हम यहीं पे रैप अप करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. और आप सबको पता है कि हमारा जो मेन मोटो रहता है दैट इज आई कैन एंड आई विल. तो विद दिस वी एंड अप द टुडे सेशन. और याद रखिएगा कल भी और परसों भी हम डिस्कशन शुरू कर देंगे. डिस्कशन में अब आपको पता है किस तरीके से हम करेंगे. बैंकिंग, अपॉइंटमेंट्स, बिजनेसेस, नेशनल्स, इस पूरी कैटेगराइजेशन को करके विल रैप अप इन द कमिंग 2 क्लासेस. तो दोनों क्लासेस इसी तरीके से 1.5 से 2 घंटे की होंगी. तो प्लीज़ कैप्सूल लर्न करना शुरू कर दीजिए. और मैं बता दूं विद दिस 90 क्वेश्चन एंड विद टुडेज करंट अफेयर्स जनवरी आपका बहुत सॉलिड हो ही गया है. तो प्लीज़ रिवाइज इट. और जो लोग एंड में ज्वाइन करा है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सेम कैप्सूल का वीडियो आपको अपलोडेड मिलेगा ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकरसड्डा विच इज अड्डा 24/7. तो चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. और शाम को होगा अड्डा का दंगल 7:30 बजे. पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा. थैंक यू.